अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम लिटरेरी टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कोलिकुलिज्म। कोलिकुलिज्म बेसिकली ऐसी टर्म होती है जो कि इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, इवन के स्लैंग होते हैं पीस ऑफ राइटिंग के अंदर। इनफॉर्मल वर्ड्स जैसे कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे होते हैं तो अपने इनफॉर्मल वर्ड्स बोल रहे होते हैं, ठीक है। हमारी सोसाइटी के अंदर जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ जो हैं वो इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस भी इसमें ही आ जाते हैं। इवन के स्लैंग जो होती हैं, लूज टाइप ऑफ लैंग्वेज, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। इनका पर्पस क्या होता है कोलिकुलिज्म का? इसका पर्पस ये होता है कि रियलिज्म का टच देना, यानी कि रियलिटी का टच देना। मिसाल के तौर पर अगर हम अमेरिकन कल्चर में रहते हैं और अमेरिकन कल्चर में रहते हुए हम लोग हाउ आर यू बोलें, उसके मुकाबले में बेहतर है व्हाट्सएप, जब फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो व्हाट्सएप है ये कोलिकुअल वर्ड है, ठीक है। और ऐसे अगर हम रूल्स को ख्याल रखें तो जैसा कि वॉन्ट टू, गो टू वर्ड होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाना, गोना। ये जो वाना वर्ड है इसको हम लोग राइटिंग में यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर कोलिकुअल टच की बात करें तो फिर वाना जो है वो कोलिकुअल वर्ड है। इस तरह गोना भी सेम है, और यू ऑल जो है, ये वाई ए डबल जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये यू ऑल को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह कुछ और वर्ड होते हैं जैसे कि बज ऑफ, गो अवे को कहते हैं, बी ब्लू, टू बी सैड को कहते हैं। ये सारे बेसिकली क्या हैं? सारे बेसिकली कोलिकुअल वर्ड्स ही हैं। जैसा कि अगर आपने जॉन डन को पढ़ा है द सन राइजिंग, उसकी पोइम है, तो हमने देखा वहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा कोलिकुअल वर्ड्स यूज़ किए हैं। वो सन को कहता है सोसी पेडेंटिक वॉच वच, ठीक है। इस तरह के वर्ड उसने यूज़ किए हैं, बिजी ओल्ड फूल, अनरूली सन। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, बेसिकली ये आते हैं कोलिकुअल स्पीच के अंदर आते हैं, इनफॉर्मल वर्ड्स, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन जो कोलिकुअल वर्ड है, कोलिकुअलिज्म है, वो क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो गया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।